हेलो फ्रेंड्स, आज मैं दादी माँ के नुस्खों में से आपके लिए लेकर आई हूँ शक्तिवर्धक गुणकारी स्वादिष्ट एवं सेहतमंद रेसिपी, जो अक्सर हमें बड़े बुजुर्गों द्वारा बनाकर खिलाई जाती है, जिसका नाम है पंजीरी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की, जिसमें हमने लिया है धनिया, मखाने, इसे मिक्सर जार में पीस लेंगे, और साथ ही लिया है 1 कप आटा, 1 कप गुड़, 2 से 3 छोटी इलायची, किशमिश, खरबूजे के बीज और देसी घी। आप अपने हिसाब से अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। पंजीरी के गुणों को बनाए रखने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पीतल का बर्तन, जिसे गैस पर चढ़ाकर हम सबसे पहले ऐड करेंगे 1/4 कप घी, और उसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया। इसे हम अच्छे से भून लेंगे ताकि धनिए का एसेंस निकल कर घी में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद धनिए को प्लेट पर निकाल लेंगे और पतीले में 1/4 कप घी डालकर 1 कप आटे को भी गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। जब हमारा आटा हल्का सा ब्राउन होने लगे तो हम इसमें ऐड करेंगे पिसे हुए मखाने और खरबूजे के बीज, और इनको 1 से 2 मिनट तक चलाते हुए मिक्स करने के बाद ऐड करेंगे पीसी हुई इलायची और किशमिश। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। जब हमारा मिश्रण गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे निकाल कर भुने हुए धनिए के साथ मिक्स कर लेंगे, और साथ ही ऐड करेंगे 1 कप गुड़। इसे भी हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी सेहतमंद और गुणकारी पंजीरी बनकर तैयार है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।